Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys all are fine. So my channel is based on fitness, traveling and my lifestyle. तो आज हम बेसिक वर्कआउट स्टार्ट करेंगे फॉर बिगनर्स. तो जो आज हम बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे वो करेंगे चेस्ट की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग और वार्म अप वगैरह करेंगे. हम स्ट्रेचिंग या वार्म अप में हम कर सकते हैं चिन अप, डिप्स, साइकिलिंग वगैरह हम कुछ भी कर सकते हैं ताकि हमारे मसल में क्रैम्प वगैरह ना आए. और जो स्ट्रेचिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक. स्टैटिक होती है हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं और जो डायनामिक होती है हम उसके बाद करते हैं. तो फिर जो आज का जो हमारा मोटिव है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चेस्ट पे, तो हम उस पर फोकस करेंगे. तो फिर चलिए आपको ले चलते हैं पहले एक्सरसाइज के. हेलो फ्रेंड्स, जो वर्कआउट हम लोग अभी कर रहे हैं वो है बेंच प्रेस. फॉर्म बहुत इजी है. यहाँ हम अपनी बैक और अपना शोल्डर टच रखेंगे, बीच में गैप होना चाहिए. वर्कआउट करते टाइम आपके एल्बो जब नीचे आए तो आपके शोल्डर के पीछे ना जाए, जिससे कि आपके एक नीचे सकते हैं. वर्कआउट रेंज ऑफ मोशन हमेशा कंप्लीट रखें, कंप्लीट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, दूसरी वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं ये स्पेशली आपके अपर पार्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए है. कंडीशन सेम रहेगी, इसमें भी बैक और शोल्डर ही टच रहेगा बेंच से. वर्कआउट रेंज ऑफ मोशन सेम, पुल अप एंड अप. सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे कि हम अपने एल्बोज को अपने शोल्डर के पीछे ना ले जाए. आप जितना अपने एल्बोज को शोल्डर के पीछे ले जाओगे आप उतना ही अपना इंटीरियर डैमेज, जिसको फ्रंट डेंट भी बोलते हैं, वो आप अपना डैमेज करेंगे. डाउन एंड कंप्लीट अप एंड डाउन एंड अप. जो हमारी ये फोर्थ वर्कआउट है इसको पैक डेक फ्लाई और बटरफ्लाई भी कहा जाता है. ये आपके क्लैविकुलर और स्टमक दोनों पार्ट को ट्रेन करता है. कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ भी मोशन फुल रेंज ऑफ मोशन रहेगा. बार बार हम अपने हाथों को हिट नहीं करेंगे, हमें क्लोज लाना है पर हिट नहीं करना है. इजी वर्कआउट, हमेशा स्लो रखें, बहुत तेज करने की कोशिश ना करें. चलिए हमारी लास्ट वर्कआउट जिसका नाम है पुल ओवर. पुल ओवर को दो तरीके से किया जाता है, ऑन बेंच और क्रॉस बेंच. बेंच के ऊपर सीधा लेट के और बेंच के ऊपर पास लेके, ये आपकी चेस्ट को कंप्लीट स्ट्रेच करता है. यहाँ पे 90 का एंगल और केवल हम इसको ले जाएंगे यहाँ पे 180 डाउन देन अप एंड देन डाउन, अप एंड डाउन. आप चाहे तो इसको क्रॉस बेंच भी कर सकते हैं. आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इससे बेटर तरीके से फॉर्म के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सके. हम लोग बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में केवल बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स कौन सी वर्कआउट करे या कौन सी वर्कआउट नहीं करे. जैसे कि आज हमने जो वर्कआउट छोड़ी उसमें एक वर्कआउट थी डिक्लाइन प्रेस. मैं कहूँगा कि प्लीज बिगनर्स, जो बिगनर्स है, अवॉइड करें डिक्लाइन प्रेस को या डिक्लाइन डंबल प्रेस को, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो अपने बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, जिससे कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं.
सो गाइज हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।